नमस्कार, मैं सुमंत कश्यप, ग्रैंड एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट, अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो में हम बात करेंगे हाउस एक्टिवेशन पे। हाउस एक्टिवेशन है क्या, कब किया जाता है और किन कॉम्बिनेशन ऑफ हाउसेज को किया जाता है। यहाँ मैंने छोटा सा नोट प्रिपेयर किया है, दो स्लाइड है। ये पहला स्लाइड आपके सामने, इसके बाद एक और स्लाइड आएगा, पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। देयर आर 12 हाउसेज इन आवर कुंडली। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी कुंडली में 12 भाव होते हैं। ऑल हाउसेज आर नॉट एक्टिव एवरी टाइम। और ये जो 12 के 12 भाव होते हैं, ये हमेशा एक्टिवेट नहीं होते। कोई भी ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में ही इफेक्टिवली अपना रिजल्ट देता है। तो यही पॉइंट मैंने यहाँ मेंशन किया है, सम ऑफ द हाउसेज आर एक्टिव इन डीबी। यानी जैसे जैसे आपकी ग्रहों की दशा अंतरदशा आती जाती है, आपको अलग अलग हाउसेज के रिजल्ट मिलते जाते हैं। अब जो लास्ट वाला पॉइंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। एनी कंसर्न्ड हाउस कैन बी वर्चुअली एक्टिवेटेड थ्रू एस्ट्रो वास्तु। अब हाउस एक्टिवेशन के दो कंडीशंस होते हैं, दो कंडीशन ये हैं। पहला, जैसे मान लीजिए आपकी शनि की दशा चल रही है और शनि धन देने वाले भाव 2611 को बता रहा है, और आप ऐसा चाहते हैं कि इन हाउसेज के स्ट्रॉन्गली रिजल्ट आपको मिले एस्ट्रो वास्तु के द्वारा, तो आप इन हाउसेज को अपने वास्तु में या बॉडी पार्ट्स में एक्टिवेट कर लेते हैं। किन हाउसेज को? जो आपका महादशा या अंतरदशा स्वामी जिन हाउसेज के रिजल्ट दे रहा है, उन सभी हाउसेज की बात की जा रही है। जैसा कि मैंने एग्जाम्पल में दिया, यदि आपकी शनि की महादशा चल रही है या शनि की अंतरदशा चल रही है और शनि धन देने वाले घर 2611 का रिजल्ट दे रहा है, इसको और आप बूस्ट करना चाहते हैं, इसको पावर देना चाहते हैं, तो आप एस्ट्रो वास्तु के द्वारा इसको एक्टिवेट करते हैं। एक मिनट रुकेंगे। यानी जो आपका महादशा और अंतरदशा स्वामी जो रिजल्ट दे रहा है, उसको आप और बूस्ट कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन होती है कि वो ग्रह आपकी दशा या अंतरदशा में नहीं है और उसके रिजल्ट आपको लेना है। जैसे पांचवा भाव चाइल्ड बर्थ का हो गया, पांचवा भाव शेयर का हो गया, सर्विसेज का हो गया, इंटेलिजेंस का हो गया, तो इसका रिजल्ट आपको लेना है। तो चूंकि आपकी दशा में पांचवा भाव मिसिंग है, तो एस्ट्रो वास्तु के द्वारा जब इस पांचवें भाव को आप एक्टिवेट करेंगे, तो वर्चुअली एक्टिवेट होगा। वर्चुअली एक्टिवेट का मतलब यह है कि जैसे यहीं पे आप इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके सामने हूँ, आप मुझे देख सकते हैं, लेकिन मैं आपके पास में नहीं हूँ। लेकिन एक तरह से क्या है, ये इंटरेक्शन का माध्यम है। वर्चुअली हम और आप सभी लोग जुड़े हुए हैं, यानी काम भी हो रहा है। जो हमारा और आपका कनेक्शन होना चाहिए, जैसा कि ये वर्चुअल वर्ल्ड नहीं होता, या तो मैं आपके घर आता या आप मेरे घर आते, फिर हम आमने सामने बात करते। लेकिन इस इंटरनेट ने क्या किया, वर्चुअली मेरी प्रेजेंस आपके सामने या आपकी प्रेजेंस मेरे सामने कर दी। वैसे ही वर्चुअली वो हाउस के रिजल्ट हम ले पाएंगे, लेकिन चूंकि वो हाउस हमारी कुंडली में एक्टिवेटेड नहीं है, यानी ईश्वर ने इस दशा के माध्यम से उस हाउस का रिजल्ट हमें नहीं दिया है, तो उतनी इंटेंसिटी से नहीं मिल पाएगी। यानी एस्ट्रो वास्तु रेमेडियल प्रोसीजर्स है। जैसे आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको कोई समस्या हुआ या शरीर में विटामिन्स या मिनरल्स की कमी हुई, तो डॉक्टर दवाओं के द्वारा आपको काफ़ी हद तक पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो वही काम एक एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट के रूप में हमारा है कि जो हाउस नहीं है, उसको आपके बॉडी पार्ट्स या आपके वास्तु के द्वारा काफ़ी हद तक पूरा किया जा सके। 50% 60% भी यदि पूरा हो जाता है, तो ना होने की अपेक्षा होना काफ़ी बेटर होता है। तो ये प्रोसेस है और ये एस्ट्रो वास्तु का मेन कॉन्सेप्ट है हाउस एक्टिवेशन के प्रोसेस में। अब आइए अगले स्लाइड में देखते हैं। ये जो स्लाइड है, इसमें मैंने बताया है कि कब कौन से हाउस को एक्टिवेट करना चाहिए। छोटा सा कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है। इसके जो नियम है, ये आपके केपी एस्ट्रोलॉजी से कुछ अलग हो सकते हैं। रीजन क्या है कि केपी एस्ट्रोलॉजी में सेम चीज के लिए, जैसे गुड हेल्थ के लिए 15911 होता है, वीजा फॉरेन टूर के लिए 3912 होता है, हायर एजुकेशन के लिए
5, 9, 11 होता है, साथ में जॉब को आप जोड़ेंगे तो 6 और 10 होगा। लेकिन मैंने ये चीजें दी हुई है, ये मैं बता रहा हूँ, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। देखिए, कोई आदमी इनबिल्ट यानी जन्मजात उसकी एक किडनी है, उसको लाइफ जीने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उसका शरीर अपने आप ऑटो बैलेंस कर लेगा। लेकिन यदि किसी की किडनी फेल होती है, सर्जरी के द्वारा उसकी ट्रांसप्लांट की जाती है, लगभग 70 से 75%, 70 to 75% किडनी ट्रांसप्लांट का सक्सेस रेशियो है, और उसमें भी काफ़ी प्रिकॉशन सावधानी आपको रखनी पड़ती है। यानी जब हम कुछ अपनी तरफ से इंसर्ट करते हैं, डालते हैं, इनर्जी के फ्लो को अवरोध उत्पन्न करते हैं या अपने अनुसार डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं, तो कई बार हमें नुकसान भी उठाना पड़ता है। यही बात ये इस हाउस एक्टिवेशन जो कॉन्सेप्ट है एस्ट्रो वास्तु का, यहाँ भी अप्लीकेबल है। जैसे हम कोई हाउस को एक्टिवेट करने जाते हैं तो सभी हाउसेज के सपोर्टिव हाउसेज होते हैं, और प्रत्येक हाउस के दो रिजल्ट आपको मिलते हैं, एक सपोर्टिव और एक डिनायल। सपोर्टिव और डिनायल से क्या कंसर्न है, जैसे 12वां भाव, जनरली हम क्या सोचते हैं कि 12th हाउस खर्चों का है, हॉस्पिटल का है, लेकिन इसके साथ साथ 12th हाउस क्या है, विदेश का भी है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का भी है, आपके नींद का है, बिस्तर के सुख का है। तो ये दोनों एस्पेक्ट होते हैं, और साथ ही साथ हर एक कुंड भाव से 12वां भाव उसके रिजल्ट को डिस्टर्ब करता है। तो इसका मतलब, जैसे सामान्य कंडीशन में मैं ये कहूँ कि हम 11th हाउस को एक्टिवेट कर लें, तो यदि आपका काम 12th हाउस से संबंधित होगा तो 11th के एक्टिवेशन के पश्चात आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। यानी यदि आप फॉरेन में हैं या फॉरेन सेटलमेंट का प्लान कर रहे हैं या आपका एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम है, तो ये सब प्राइमरी तौर पर 12वें भाव से संबंधित है। जैसे ही आप 11th हाउस को एक्टिवेट करेंगे तो 12वीं का 12वां 11वां भाव हुआ तो आपके काम में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। अब आपके दिमाग में आएगा कि यदि किसी की कुंडली में 11 और 12 भाव दोनों एक्टिवेटेड हों, तो दोनों हैं तो वो उसके साथ हैं, जन्मजात ईश्वर ने दिया है, तो जो ईश्वर ने दिया है वो समय के साथ अपने आप बैलेंसिंग हो जाती है। लेकिन जब आप एक्टिवेट करते हैं तो बीच में आप कुछ डाल रहे हैं, एनर्जी के फ्लो को आप डाइवर्ट कर रहे हैं। तो इसलिए अब तक जो मेरा एक्सपीरियंस है और जो मैं कंसल्टेशन लोगों को देता हूं, उनके फीडबैक के आधार पे जो मैंने काफ़ी सारे जो रिसर्चेस किए हैं, जो समय समय पर मैंने आपको पिछले कई वीडियोज़ में बताया भी है, जो मेरा एक्टिविटी बेस्ड हाउस एक्टिवेशन है वो भी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, तो उसी के आधार पर मैंने यहाँ कुछ नोट्स आपके सामने रखे हैं। आइए फिर चर्चा करता हूँ। गुड हेल्थ, यदि आपको अच्छा हेल्थ चाहिए या कोई आदमी बीमार है और उसको बीमारी से रिकवर होना है, जल्दी ठीक होना है, तो सिर्फ 5वें भाव का एक्टिवेशन किया जाएगा। किसी को वीजा चाहिए या फॉरेन टूर के लिए, कॉमन सी बात है, लेकिन टूर भी मैंने इसलिए लिख दिया कि कई बार क्या होता है कि जो टूरिस्ट वीजा है वो आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन स्टडी वीजा या जॉब के लिए तो उसमें थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो दोनों ही कंसर्न के लिए आपको थर्ड हाउस का ही एक्टिवेशन करना है, वीजा के प्रपोजल यानी वीजा मिलने तक। उसके बाद यदि आपका पीआर वगैरह और बाकी के प्रोसेस हैं, या वहाँ आपका बिजनेस का सेटलमेंट का है या जॉब का है, तो फिर उसमें कुछ एडिशनल हाउसेज भी एक्टिवेट करने पड़ेंगे। हायर एजुकेशन प्लस पार्ट टाइम जॉब फॉरेन में, तो 9 और 11 करना है। यहाँ इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए। बहुत से बच्चे जो हमारे देश को ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, कनाडा जाते हैं, अमेरिका जाते हैं पढ़ने के लिए, तो वहाँ पढ़ने के साथ साथ उनको पार्ट टाइम जॉब के लिए भी गवर्नमेंट कुछ समय, हर एक कंट्री का अपना अपना टाइम शेड्यूल है कि आप वीक में इतना आवर काम कर सकते हैं। इससे क्या है कि उनको पैसा मिलता है जो अपना खर्च वो काफ़ी हद तक मेंटेन कर लेते हैं। तो पढ़ाई भी चाहिए साथ ही साथ पार्ट टाइम जॉब चाहिए। पार्ट टाइम जॉब मैंने लिखा है, फुल टाइम की बात नहीं हो रही है। तो ये हायर एजुकेशन भी अच्छे तरीके से चले, और आपका जो पार्ट टाइम जॉब वहाँ कर रहे हैं या आपको मिला नहीं है, जाते जाते आपको मिल जाए, तो इसके लिए 9 और 11 को करना है। यानी इसको फिर से मैं समझा देता हूँ, यदि आप स्वयं या आपका कोई क्लाइंट या आपके घर परिवार में कोई आदमी जिसको हायर स्टडी के लिए फॉरेन जाना है, यानी वो वहाँ जाके पढ़ेगा और पार्ट टाइम जॉब करेगा, तो अभी ही आपको 9 और 11 एक्टिवेट कर देना है, कोई समस्या नहीं आएगी।
यदि किसी को डाइवोर्स यानी तलाक लेना है, यानी तलाक के मैटर्स चल रहे हैं, कोर्ट में फाइल है, अब दोनों के बीच कोई समझौता नहीं हो सकता, तो ऐसी स्थिति में 6 और 10 को एक्टिवेट करना है। प्रॉफिट इन शेयर मार्केट, शेयर मार्केट में प्रॉफिट के लिए 5 और 11 को एक्टिवेट किया जाता है। कब? व्हेन नॉट इन जॉब, जब आप नौकरी में नहीं है तब 5 और 11 को एक्टिवेट करेंगे शेयर मार्केट से प्रॉफिट के लिए। फिर ये शेयर मार्केट से दूसरा रूल मैंने लिखा हुआ है 2, 3, 11, ये कब करेंगे? जब आप जॉब में हैं, यानी कई बार ऐसा होता है जैसे आप नौकरी में हैं और साइड से अपने पैसिव इनकम के सोर्स के रूप में आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो आप ऐसा सोचते हैं कि शेयर मार्केट में भी मुझे प्रॉफिट हो। तो यदि आप नौकरी कर रहे हैं और फिर शेयर मार्केट से लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो उस स्थिति में आपके लिए जो हाउस एक्टिवेशन होगा वो 2, 3, 11 का होगा। लेकिन कोई आदमी जो फुल टाइम इन्वेस्टर है या ट्रेडर है और उसको लाभ लेना है, तो उस स्थिति में 5 और 11 का हम यूज करेंगे। यदि आप ट्रेडर हैं, ट्रेडिंग करते हैं, तो फिर यहाँ पे 7 भी ऐड हो जाएगा, यानी 5, 7, 11, यानी ट्रेडिंग में आपको फायदा लेना है, तो ट्रेडिंग भी शेयर मार्केट का ही एक हिस्सा है, तो 5, 7, 11। बाकी आपको स्विंग ट्रेडिंग हो गई या फिर इन्वेस्टिंग हो गई, उससे आपको लाभ लेना है, या फिर अलग जो भी बहुत से प्रकार हैं शेयर मार्केट से कमाने के, तो उसमें 5 और 11 आप कर सकते हैं। तो ऊपर वाले में आपको ध्यान रखना है, यदि आप नौकरी में हैं तो ये आपके लिए नहीं है। उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। यदि एस्ट्रो वास्तु कॉन्सेप्ट को और गहराई से आप सीखना चाहते हैं, या फिर प्रेडिक्टिव एडवांस केपी एस्ट्रोलॉजी आप मुझसे सीखना चाहते हैं, या भृगु नंदिनी BNN सीखना चाहते हैं, तो आप 1-to-1 क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। एस्ट्रो वास्तु कोर्स भी आप 1-to-1 सीख सकते हैं। सभी क्लासेस जूम ऐप पे होंगी और कोर्स की जो रिकॉर्डिंग है वो आपको दी जाएगी, जो आप जब चाहें देख सकते हैं। तो बने रहिए, मिलते हैं कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। धन्यवाद।